हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने खाद्य सेवा प्रबंधन की प्रथम इकाई खाद्य सेवा का इतिहास एवं विकास के बारे में कुछ सीखा था। आइए अब उसको आगे को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि खाद्य सेवा इकाई क्या है, इनका विस्तार कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से कारक हैं जो खाद्य सेवा इकाइयों को प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि खाद्य सेवा इकाइयों की वर्तमान में प्रवृत्तियां कैसी हैं, अर्थात इनका वर्तमान दौर कैसा है। तो बात करते हैं कि खाद्य सेवा इकाइयों का जो विकास हुआ धीरे धीरे देश में या फिर विश्व में, वो किस प्रकार से हुआ। देखिए, आपने देखा है कि आज का जो समाज है या आज के दौर की या वर्तमान की हम बात करें तो सामाजिकता बहुत बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और काफी गैदरिंग्स होती हैं। तो इनमें जो ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या प्रोग्राम्स जो भी आयोजित किए जाते हैं, इनमें खाद्य सेवा इकाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जब लोग आएंगे, समुदाय एकत्रित होगा तो उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इसमें खाद्य सेवा इकाइयां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से वैश्वीकरण हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैटरिंग संयोजन क्षेत्र में, तो इसमें स्वरोजगार बहुत ज्यादा, इसको स्वरोजगार के रूप में लोगों ने बहुत अपनाया। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारक है जो कि खाद्य सेवा इकाइयों के विकास को प्रभावित करता है। तो किस प्रकार प्रभावित करता है कि मांग बढ़ी है इस समय, जो हमारे युवा वर्ग है या जो यंग जनरेशन कह लीजिए, वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड है इस समय, वो कुछ खुद से करना चाहते हैं, तो लोगों ने इसको स्वरोजगार के रूप में बहुत अपनाया है। तो इस प्रकार से भी इसकी महत्वता बहुत बढ़ी है। अब जैसे आप अगर हम अपने भारत देश का ही एग्जाम्पल लें तो आपने देखा फूड चेन्स चलते हैं, जैसे निरुलाज, मोती महल, हल्दीराम, बीकानेर, और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल चेन्स भी हैं जैसे मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज। तो इस प्रकार से आपने देखा हर बड़े शहर में इनकी चेन्स हैं, इनके अपने स्टोर्स हैं जहां से ये फूड सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इस समय टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली है कि आपके बड़े से बड़े काम बहुत आसान हो गए हैं। जैसे जिस काम के लिए आपको लेबर की आवश्यकता होती थी, वो काम अब मशीनों से हो रहा है। तो कुछ समय की बचत हुई है प्लस लेबर कॉस्ट कम हुई है। तो जैसे आप देखिए, आटा गूंदने की मशीन है, रोटी बनाने की मशीन है, या फिर कटिंग मशीन है, डिश वॉशर्स है, वॉशिंग मशीन है, मतलब आपको हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी ने इतनी हेल्प करी है कि आप इस क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहें तो निश्चिंत होकर बढ़ सकते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसके लिए आपको इतने लोगों की आवश्यकता होगी या इसमें बहुत मेहनत है। मेहनत जो है, फिजिकल वर्क जो है, वो काफी हद तक मशीनों ने कम कर दिया है। आपने देखा होगा प्रसंस्कृत फूड बहुत आ रहे हैं इस समय मार्केट में, जैसे रेडी टू ईट आते हैं आपके, MTR के हैं या फिर टेस्ट बाइट के हैं, आपके टॉप्स के हैं। तो इनसे क्या हो गया, आपको जो प्री प्रिपरेशन थी रॉ मटेरियल की, वो वाला काम आपका कम हो गया है। वो आपको बनाया मिक्सचर मिल रहा है जिसको आपने जस्ट पानी डाल के उसमें जो भी आपने उसका बैटर बनाना है या जो भी करना है उसके लिए आपको सीधे रेडी कर देना है। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल लाने की, उसको पीसने की या भिगाने की, इस टाइप की कोई भी प्री प्रिपरेशन करने की आवश्यकता खत्म हो गई है। तो इससे भी जो खाद्य सेवा इकाइयां हैं जो इन चीजों का निर्माण कर रही हैं प्रसंस्कृत फूड का, तो उनकी भी देखिए उनके लिए कितनी डिमांड बढ़ गई है। और वहां पे इससे फायदे अगर हम देखें, मॉनेटरी फायदा है, बहुत सारा रोजगार उन्होंने जनरेट किया हुआ है। तो इस प्रकार से देश को भी फायदा है और इनका तो अपना विकास हो ही रहा है। अब अगर आप कोई खाद्य सेवा इकाई, मैंने जैसे आपको बताया भी कि आप स्वरोजगार के रूप में इसे अपना सकते हैं, तो अगर आप ऐसा प्लान करते हैं तो किस तरह की प्लानिंग आप इसमें करेंगे, किन किन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप एक खाद्य सेवा इकाई में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे स्वरोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं, अपनी कोई यूनिट खोलना चाहते हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स, कुछ भी, ढाबा, अगर छोटा सा भी आप कुछ फूड एक कोई भी एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं फूड सप्लाई का कोई, तो किस प्रकार से आपने करना है। तो एक तो आपकी इसमें प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए
मैं किस तरह से चरणबद्ध तरीके से ये कार्य आप करेंगे। और एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन कौन से चरण हैं जिनको आपको फॉलो करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे जाके वहां पे यूनिट खोल देंगे, इसकी प्रिपरेशन होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इनके कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, बजट बजट प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जो भी पैसा है या आप लोन लेते हैं तो आप उसको किस किस तरीके से किन किन मदों पर खर्च करेंगे। फिर होता है पंजीकरण। आपने देखा होगा, आप कोई भी यूनिट खोलते हैं, कोई भी सोसाइटी खोलते हैं, उसका एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है। ये फूड इकाई के लिए नहीं, वो हर कोई भी अगर यूनिट स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, उसके लिए आपको उसको रजिस्टर कराना अति आवश्यक है। तो ये सब आपको पॉइंट ध्यान में देने हैं। तो सबसे पहले हम योजना बनाने की बात करते हैं, खाद्य सेवा की प्लानिंग, किस प्रकार से प्लान करना है, उस प्लानिंग में कौन कौन से चरण आएंगे। चरण होते हैं पहले, जैसे योजना निर्देशिका होती है। योजना निर्देशिका मतलब आपकी प्लानिंग गाइड, कि आप कैसे उसमें प्लान आउट करोगे कि क्या क्या आपको करना है पूरी यूनिट को ओपन होने तक, कि उसमें आप कैसे आप उसको पहले तो आप डिसाइड करेंगे कि आप किस टाइप का फूड बनाना चाहते हैं, मार्केट सर्वे करेंगे, बजट होगा, बहुत सारे पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद बजट बनाते हैं आप, फिर लास्ट जो फाइनल इसका चरण होता है, वो है पंजीकृत कराना, स्वयं को पंजीकृत कराना, जो कि अति आवश्यक है। अब प्लानिंग गाइड कैसे बनती है, योजना निर्देशिका कैसे बनती है, योजना निर्देशिका में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। योजना निर्देशिका में क्या क्या आप शामिल करेंगे, पहला है औचित्य। औचित्य का मीनिंग होता है कि आप इस जो भी आप यूनिट शुरू करना चाह रहे हैं उसे क्यों शुरू करना चाह रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस इकाई को खोलने में आपकी नीतियां क्या क्या रहेंगी, इस प्रकार से आपको सब कुछ अपने खुद में सोचना है, उसमें मेंशन करना है। भौतिक तथा परिचालन विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं से मतलब है कि अगर आप कोई फूड सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस प्रकार का फूड बनाना चाह रहे हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, या फिर आप पंजाबी, या मतलब स्पेसिफिक कर रहे हैं, या फिर एक सभी सारे व्यंजनों को मिला के एक आप यूनिट खोलना चाहते हैं, सब तरह के व्यंजन उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो आप इसका भी एक वो है कि आप जब मार्केट सर्वे करेंगे, आप देखेंगे कि वहां पे किस प्रकार की पॉपुलेशन है, लोग क्या खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा। परिचालन सूचनाओं में आप परिचालन सूचनाएं हैं, अर्थात उनको चलाने जब आप अपना यूनिट रन कर रहे होंगे तो उसके संबंधित आपको क्या क्या सूचनाएं देनी होती हैं या मेंशन करनी होती हैं। इसमें आपको आता है कि वर्किंग आवर्स, कि कितने घंटे कार्य होगा, और व्यापार की सीमा क्या होगी, और सेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी आपको उसमें मेंशन करनी होगी। फिर होती है नियामक सूचनाएं, अर्थात रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि आप अगर कोई यूनिट चला रहे हैं तो उससे संबंधित आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देनी होगी, जैसे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए उसका यूनिट का, और भोजन के घटकों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, श्रम कानून, श्रम कानून में एक श्रम कानून आपको बताएगा कि आप किस उम्र से कम लोगों से काम नहीं करा सकते, अर्थात बच्चों से काम, श्रम बाल मजदूरी जो कि आप नहीं करा सकते हैं। और भी इसमें है, वर्किंग आवर्स होते हैं, और इसमें मिनिमम वेजेस होते हैं कि आपको इतना मिनिमम पेमेंट करना है, तो इसमें सब कुछ मेंशन होता है, ये भी सब आपको ध्यान में रखना है, श्रम कानून के अंतर्गत ही सब आते हैं। सफाई का स्तर, अर्थात आपको सारे स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे तो इनको आपको फॉलो करना होगा कि इतनी आपकी हर चीज में सफाई होनी चाहिए, और अगर इसमें आप फेल होते हैं तो भी आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। सुरक्षा का स्तर, अर्थात जो वहां पे वर्किंग आपका स्टाफ है या फिर जो आपके कस्टमर है उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या क्या इंतजाम किए हैं वहां पे। और ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की सूचना है। ऊर्जा स्रोत मतलब आप ऑब्वियस है कि आप अगर कोई यूनिट खोलेंगे तो आप एनर्जी कंज्यूम करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो उसका आपको पूरा ब्यौरा देना होगा। प्लानिंग टीम के बारे में आपको सोचना होगा कि प्लानिंग टीम अर्थात जो एक ऐसी टीम जो आपको पूरा आपकी हेल्प करेगी ऑल ओवर प्लान आउट करने के लिए, तो इसमें आपके प्रबंधक आते हैं, वास्तुकार होंगे, खाद्य सेवा सलाहकार होंगे, उपकरण प्रतिनिधि होंगे, अर्थात एक कुक होगा, वेटर्स होंगे, आपके जो आपकी मशीनरी वगैरह उसको ऑपरेट करेंगे उनके लिए लोग होंगे, एक आपके मैनेजर और
काफी स्टाफ होगा जो आपको इन सब में हेल्प करेगा, सब मिला के एक प्लानिंग टीम बनती है। नेक्स्ट है बाजार सर्वेक्षण, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओपनिंग एनी यूनिट, क्योंकि जब तक आप एक बाजार सर्वे नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप जिस स्थान पे अपनी यूनिट या इकाई खोलने का प्लान आउट कर रहे हैं वहां पे की जनसंख्या किस प्रकार की है, या उन लोगों का क्या रुख है, वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, वहां पे लोग बाहर भोजन करना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, किस प्रकार का वहां पे लोगों की प्रायोरिटीज क्या है बेसिकली, तो ये सब आपको पता लगाना होगा। उसके बाद उपभोक्ताओं का चिन्हीकरण, आप कस्टमर आपको ढूंढने होंगे, आपको ऐसे स्थान पे इकाई खोलनी होगी जहां पे आपको मैक्सिमम उसका सेल आउट होने का श्योर हो गए, आप यहाँ पे इतने लोग आपका जो फूड है उसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। और जैसे जब आप ये कर रहे होंगे उपभोक्ता ढूंढ रहे होंगे अपने कस्टमर, तो आप उनकी पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखेंगे। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग केवल वेजिटेरियन होते हैं, तो आप ये भी डिसाइड करना है कि आपको प्योर वेज खोलना है या कंबाइंड वेज नॉनवेज दोनों, या फिर केवल नॉनवेज करना है। उसके बाद किस एरिया का आपको खोलना है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, आप इस समय तो वैरायटी ऑफ फूड्स आर अवेलेबल इन मार्केट, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस प्रकार की इकाई खोलनी है। इसके बाद आता है बजट तैयार करना। बजट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी बिजनेस का, क्योंकि विदाउट मनी आप किसी भी इकाई को शुरू नहीं कर सकते, उसको आप रन नहीं कर सकते। तो बात करते हैं बजट की, तो इसे हम चार विभिन्न मदों में बांट सकते हैं, फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। फूड कॉस्ट में अर्थात आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट, आपको जो भी आप बनाने वाले हैं उसके लिए भोजन, तो उसके लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें जो आपका खर्चा होगा वो फूड कॉस्ट होता है। लेबर कॉस्ट में आपने जितने भी आपके वर्कर्स हैं इनको आपने जो जो सैलरी देनी है, या अपने वेजेस जो उनके हैं डेली वेजेस वाले हैं, तो ये सब आपका लेबर कॉस्ट। ओवरहेड एक्सपेंडिचर में अदर देन फूड एंड लेबर कॉस्ट आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपके ओवरहेड एक्सपेंडिचर में आते हैं, रखरखाव लागत या मेंटेनेंस कॉस्ट, आपके मशीनरीज होंगी जिनका आपको मेंटेनेंस करना जरूरी होगा, तो इसमें जो आपका खर्चा आएगा इन सबके रखरखाव में उसे मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं, इसके लिए एक अलग से बजट रखा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका चरण है उसमें होता है पंजीकरण कराना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया किसी भी इकाई को, किसी भी यूनिट को, चाहे वो फूड यूनिट हो या कोई अन्य यूनिट हो, उसका पंजीकरण अति आवश्यक है। एक पीएफए एक्ट 1954 में के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के किसी भी खाद्य पदार्थ को निर्मित करने, विक्रय करने, भंडारण करने, वितरित करने अथवा विक्रय हेतु प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। अर्थात यदि आप रजिस्टर नहीं हैं, तो आप कोई यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकते, बिना परमिशन आप उसे किसी को खिला नहीं सकते, या फिर बाजार में बेचने के लिए नहीं निकाल सकते, अन्यथा आप पे कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब आप रजिस्टर कराते हैं तो उनके अपने कुछ मानक होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, और अगर आप उन मानकों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। इससे आपकी आपकी भी और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी भी स्वास्थ्य की सुरक्षा है, विभिन्न जो डिजीजेस हैं बीमारियां हैं उनको फैलने से रोका जाएगा, और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके। तो इसकी अतः आपको कोई भी अगर इकाई आपको खोलनी है तो आपको उसके लिए उचित उसका पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे दंड भी हैं, कुछ आर्थिक दंड भी हैं, अतः इन सबसे बचने के लिए हमें टाइम से उसका अपनी इकाई का पंजीकरण करा लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं, आपका प्रोसेस पूरी हो चुकी है कि किस प्रकार से हमने इकाई खोलनी है, किन किन चरणों का हमने पालन करना है। अगले भाग में हम इस जो हमारा पंजीकरण हेतु आवेदन करना है वो किस प्रकार हम करेंगे, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके साथ हमारी पहली इकाई पूरी हो जाएगी। इस इकाई में इतना ही। धन्यवाद।